गुल, क्या हो गया रुशना? सब खैरियत तो है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा तुम एक काम करो, पहले नोफल को छोड़ाओ। नहीं नहीं, तुम इसकी बात सुनो, मैं चला जाऊँ। अच्छा चलो गुल। लेकिन हुआ रुशना, लेकिन गुल तुम्हें पता है मैंने अभी अफाक को देखा है। कहाँ? बाहर, यहीं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। अरे उसे किसने बताया तुम्हारी शादी नौफल से हो गई है? वो तो सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। क्या तुम क्या कह रही हो रुशना? हाँ देखो, मैंने उसे अभी जैसे भी समझा बुझा के वापस भिजवा दिया है, मगर अब वो घर के बाहर खड़ा था, अगर नौफल देख लेता तो बड़ी मुश्किल से मैंने सब कुछ संभाला है, क्योंकि मुझे मालूम था अभी नौफल के जाने का टाइम है। थैंक यू सो मच रुशना, तुमने भगा दिया ना उसे। थैंक यू, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। दरवाजा खुला है, देखिए मैं दरवाजा बंद करती हूँ। पहले थी आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहां छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। मेरा कसूर क्या है मुझे बता क्यों नहीं रहे? लेकिन छोड़े मुझे आप, सीधा चलें, खाना चल के बात होगी। मेरा कसूर क्या है? मेरी बात तो सुने। काफी दिनों से मुझे तंग कर रहा है, पानी मेरा नंबर उसे कहां से मिल गया? अरे तुम ही ने तो दिया था, याद नहीं है जब तुम्हारी मंगनी हुई थी? हाँ लेकिन मुझे अब क्यों कॉल और मैसेजेस कर रहे? मेरा तो उसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई गुल? मैं उसका दिमाग ठीक कर देती। मैं डर गई थी। अच्छा, और तुम्हारे डरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? घर पहुंच गया है वो, आज घर के बाहर आया, कल घर के अंदर ना आ जाए गुल। नहीं नहीं अल्लाह ना करे। रुशना तुम प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। हाँ मैं ही कुछ करूंगी, अब मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें तो बस रोना ही आता है। मगर देखो गुल, जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरती, बुजदली से अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और गलत बात के लिए आवाज उठानी पड़ती है। तुम जानती हो ना रुशना, मुझे नहीं आता इस तरह बोलना, लड़ना अपने हक के लिए। अच्छा तो फिर भुगतो, जो करना है खुद ही करो। नहीं नहीं प्लीज, तुम मेरी मदद करो ना प्लीज। सिर्फ एक तुम ही हो जिसको मैंने सब कुछ बताया और जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। अगर मरियम भाभी होती ना तो मुझे जरूर सब कुछ बता देती। नहीं नहीं, ऐसी गलती भी ना करना गुल, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं और हो सकता है वो असद भाई से जाके हर बात करती हैं। ये भी बात कर दी, फिर क्या करोगी? और असद भाई ने सब घर वालों को बता दिया फिर? नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। तुमने मुझे बता दिया ना गुल, अब तुम ना एकदम मुतमईन हो जाओ, अब देखना इस अफाक से मैं निपटती हूँ। थैंक यू रुशना। यकीनन नौफल ने अब तो हमारी बातें सुनी ली होंगी, वो जरूर रिएक्ट करेगा।